फिर आप सभी का स्वागत है एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। और सब्जेक्ट जो है स्वास्थ्यवृत्त है और टॉपिक सामने लिखा हुआ है निसर्गोपचार नेचुरोपैथी। और ये जो सब्जेक्ट है जीएनएम के स्टूडेंट्स का है और स्पेशली लॉकडाउन चल रहा है और मुझे पता है कि मेरे ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं पढ़ने वाले ही हैं, तो वो घर पे वो चाहते होंगे कि उन्हें बहुत सारा वर्क मिले और वो अपना वर्क इस छुट्टियों का उपयोग करें और इन छुट्टियों में अपने वर्क को कंप्लीट करें और कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। तो मैं भी पढ़ाने का इच्छुक हुई और मैं अपने स्टूडेंट्स को चाहता हूं कि अच्छे से ट्रीट कर सकूं, अच्छी जानकारी उनको दे सकूं। और मैं भी घर पर रहते रहते बोर हो चुका हूं, तो मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर के स्टूडेंट्स को दिया जाए कि उनके सब्जेक्ट से भी रिलेटेड हो और उनको फ्यूचर में काम भी आए। तो यहाँ पे आज आपके लिए टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ निसर्गोपचार नेचुरोपैथी। लेकिन टॉपिक पे चलने से पहले एक गुजारिश है आप सबसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि अभी जो वीडियो है लगातार आपको रोज मिलेंगे और आपकी क्लासेस जो टाइमिंग है 11 से 2 बजे तक की क्लासेस टाइमिंग थी और उसी के बीच में मैं कुछ वीडियो आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको कुछ वीडियो उसी के बीच में मैं यूट्यूब पे अपलोड कर लूंगा। और आप अपने जो भी जब भी आपको टाइम मिले आप यूट्यूब पे जाकर के एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा को चैनल खोल करके आप वहां से वीडियो देख सकते हैं और आप जो भी नॉलेज आपको चाहिए आप यहां से कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो में। निसर्गोपचार नेचुरोपैथी, आपको सिंपली मैं बस ये बता दूं कि नेचुरोपैथी का मतलब प्राकृतिक चिकित्सा होती है। नेचुरोपैथी का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा से तात्पर्य है ऐसी चिकित्सा जो प्रकृति के बीच में रह करके की जाए, ऐसी चिकित्सा जो प्रकृति के बीच में रह करके की जाए। अगर आपको प्राकृतिक चिकित्सा की परिभाषा लिखनी है या एग्जाम में आ जाता है तो आप सिंपली अपनी भाषा में अगर लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा से तात्पर्य है कि ऐसी चिकित्सा जो प्रकृति के बीच में रह करके की जाए या प्राकृतिक में उपस्थित जो भी चीजें हैं उनकी सहायता से जो उपचार अगर किया जा रहा है तो उसको हम प्राकृतिक चिकित्सा कहेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए बोले तो प्राकृतिक चिकित्सा में सूर्य किरण मतलब कि धूप, जल और वायु, ये तीन जो चीजें हैं ये प्राकृतिक चिकित्सा के बहुत ही अहम हिस्से हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि प्राकृतिक चिकित्सा तभी आपके शरीर पे प्रभावित होती है जब आप प्रकृति के बीच में रह करके प्रकृति को समझ करके उसके साथ आप अपने जो भी चीजें हैं, जो भी आपको परेशानी है, जो भी दिक्कत है, उसके हिसाब से अगर प्रकृति की चीजों का उपयोग करके अगर उसके बीच में रह रहे हैं तो आवश्यक है कि लाभ मिलेगा। जैसे अगर आपका आपके शरीर में बीपी की समस्या है या आपको कुछ ऐसी समस्या है जिससे आपको ये लगता है कि नहीं मैं मोटा हो रहा हूँ या मोटी हो रही हूँ या मुझे डायबिटीज होना जाए या मैं हेल्दी फील नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, तो सिंपली आपको क्या बताया जाता है कि आप सुबह सुबह जॉगिंग कीजिए या टहलिए। तो मतलब क्या हुआ, अगर आप सिंपली देखें तो टहलना या जॉगिंग करना क्या है? एक प्राकृतिक चिकित्सा ही है, क्योंकि अगर आप टहलने के लिए खुले वातावरण में अगर जाते हैं तो सिंपली आपको सबसे पहले क्या मिलती है, स्वच्छ सुबह में स्वच्छ हवा मिलती है आपको, सूर्य किरणें मिलती हैं। और अगर आप देखें अगर नंगे पैर घास पे चले तो वहां भी प्रकृति ही है वहां पे, और इससे क्या होता है आपका ब्लड सर्कुलेशन सही चलता है और आपको काफी जो समस्याएं हैं सही हो जाती हैं। तो टॉपिक में आपको सिंपली मैं कुछ चीजें, एक फ्लो डायग्राम मैंने पहले से बना रखा है जिससे आपको समझने में आसानी होगी। जैसे सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे जल चिकित्सा जो प्राकृतिक चिकित्सा का एक हिस्सा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ डिफरेंट मोड्स ऑफ हाइड्रोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी से तात्पर्य है जल चिकित्सा। तो जल चिकित्सा भी प्राकृतिक चिकित्सा का एक हिस्सा है। अगर आपको इसमें काइंड्स ऑफ नेचुरोपैथी आती है तो उसमें आप जल चिकित्सा हाइड्रोथेरेपी को लिख सकते हैं, ठीक ना। तो हाइड्रोथेरेपी अगर लिखेंगे तो हाइड्रोथेरेपी में आपको सिंपली पानी को ही दिखाना पड़ेगा क्योंकि हाइड्रोथेरेपी पानी से ही होती है। तो इसमें मैंने दो चीजें मेंशन की हैं,
पानी का ट्रीटमेंट अगर देखें शरीर पे यूज जो है प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत अगर किया जाता है तो दो तरीके से है, पहला है इंटरनल यूज और दूसरा क्या है एक्सटर्नल यूज। तो इंटरनल यूज मतलब आंतरिक प्रयोग है और एक्सटर्नल क्या है बाह्य प्रयोग जो जल का किया जाता है। तो इंटरनल यूज में हम सिंपली सबको पता है कि हम किस किस चीज के लिए यूज करते हैं, पहला तो ड्रिंकिंग, दूसरा स्टीमर, तीसरा जो है एनेमा। तो ये तीन चीजों में हम इंटरनल यूज करते हैं पानी का, जो कि चिकित्सा के रूप में भी हम कर सकते हैं। जैसे पानी की कमी हो जाती है तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो डिहाइड्रेशन के लिए हमें पानी की मात्रा लेते रहना चाहिए। जैसे 2 लीटर पानी आपको मैक्सिमम मिनिमम आपको 2 लीटर पानी रेगुलर आपको एक दिन में आपको लेते रहना चाहिए, अगर उससे कम हुआ तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो डिहाइड्रेशन होगी तो बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और एक्सटर्नल यूज में अगर देखें तो बात है कंप्रेस है और पैक है, तीन चीजें इसमें मेंशन की हुई है। और बाथ में भी अगर देखें तो बाथ में 4 चीजें मैंने मेंशन की है, जैसे जो बेस्ड ऑन टेम्परेचर है, मतलब कि टेम्परेचर पे वो बेस्ड है, तापमान के दृष्टिकोण से पानी की जो थेरेपी है हमारे शरीर पे 4 स्टेप में की जाती है। तो पहला तो है पानी, अगर आप देखें तो गर्मियों में हम ज्यादातर ठंडे पानी से नहाते हैं, तो एक तो हो गया कोल्ड, टेम्परेचर के बेस पे अगर बोलेंगे तो कोल्ड हो गया, दूसरा हो गया हॉट, दूसरा मतलब गर्म पानी, और तीसरा जो है आपका न्यूट्रल, ना तो गर्म ना तो ठंडा, मीडियम मॉडरेट, और चौथा जो है अल्टरनेट, गर्म और ठंडा बारी बारी, तो उसको अल्टरनेट में रखा गया। फिर बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब कि अलग अलग बॉडी पार्ट पे अगर हम जल का प्रयोग कर रहे हैं, पानी का, वाटर का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो बॉडी पार्ट के हिसाब से हो गए। जैसे अगर हम पानी को पूरे बॉडी पे अप्लाई कर रहे, पूरे बॉडी को पानी में डाल रहे हैं, तो वो होल बॉडी बात में आएगा। लोकल बॉडी बात में मतलब अगर हम फेस धो लिए, फेस वॉश कर लिया, हाथ धो लिया, पैर धो लिया या सिर धो लिया, तो ये लोकल बॉडी बात में आएगा। फिर इसमें अगर थर्ड स्टेप में जाए तो स्पेसिफिक बात है, जो कि अलग तरह का, स्पेसिफिक बात में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो अगर स्पेसिफिक बात में अगर हम जाएं तो स्पेसिफिक बात में जैसे हो गया कि गुलाब जल से आप नहा रहे हो, या दूध जल में डाल करके नहा रहे हो, या आप अभ्यंग लगाने के बाद से और हल्का गर्म पानी से नहा रहे हो, तो ये स्पेसिफिक बात में आएगा। तो इसमें बात को क्लियरली आपको 3 टाइप में मैंने डिवाइड करके आपको बता दिया। और फिर कंप्रेस में कुछ नहीं है, कंप्रेस में सिंपली आपको बस कंप्रेस ही लिखना है, और जो पैक है, पैक में होल पैक और लोकल पैक। होल पैक का मतलब जैसे बाथटब में आप नहा रहे हो तो वो होल पैक में आएगा, मतलब कि आप अपनी पूरी बॉडी को उसमें सिंक कर ले रहे हो तो वो होल पैक में आ जाएगा। लोकल पैक का मतलब आप पैर को डुबो करके कुछ समय के लिए रेस्ट ले रहे हो तो लोकल पैक में आ जाएगा। तो ये तो नेचुरोपैथी का मैंने बस एक ही टर्म बताया है जिसको हम